प्रार्थना भवन टीवी जो प्रभु यीशु का चैनल है, देखने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, जय यीशु मसीह की। प्रार्थना भवन टीवी में प्रतिदिन संतों के बारे में सुनकर जानकारी प्राप्त करें। ईसाई धर्म में संत वही है जो प्रभु यीशु के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दे। कुछ संत तो प्रभु यीशु के नाम पर शहीद हो जाते हैं, पर वे सारे संत अपना पूरा जीवन दुख उठाते हैं और पूरी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि फादर जोसेफ जी, जिन्होंने स्वयं प्रभु यीशु से प्रेरणा ली है, वो आज आपको संतों के बारे में बताएंगे। और यदि आप संतों के बारे में अधिक जानकारी जानने के इच्छुक हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 8437108389 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है tagdijosh@gmail.com। May 18, संत जॉन पाला, पोप अते शागित। संत जॉन दा जन्म टुस्कनी इटली विके होया सी। जदों संत जॉन एक नौजवान सी, उन्होंने अपनी जिंदगी नु खुदा नु समर्पण करके एक पुरोहित बन गया। इसके बाद वो आर्च डीकन बन गया। 523 विके जदों संत पापा हॉर्मिट्स का मौत हो गया, संत जॉन पाला नु पोप चुन लिया। उन्हें दिना विके सम्राट थियोडोरी रोम बिच राजकर्ता सी, वो चूटी तली बिच फस गया सी, क्योंकि वो एरियुस का सिद्धांत नु सहयोग दे रहा सी। इसे बावजूद भी शुरुआत विके पोप संत जॉन पाले दा संबंध सम्राट दे नाल बहुत चंगा सी। उन्हें दिना विचे सम्राट जस्टिन कॉन्स्टेंटिनोपल विके बादशाह सी, वो एक चंगा ईसाई सी। पोप जॉन नू संत जॉन दे कोल संवाद के लिए भेजा गया सी। कॉन्स्टेंटिनोपल विके सम्राट जस्टिन ने पोप साहब नू छंके टंग नाल सदिगार नाल स्वीकार किया सी। उस समय इस तरह हो गया है कि रोम बिच सम्राट थियोडोर ने अपने फौजा नू हुक्म दिता है कि संत लोगां नू मार डालने लई। सेवेरिनुस एक धर्मशास्त्री सी, इसे अलावा सिमचूस, इन दोनों संदा नू उन्हें दिना विके रोम दे अधिकारिया ने मार डाला। जदों पोप साहब रोम नू वापस आ गया, सम्राट उन्हां दे ऊपर राजद्रोह आरोप लगा के उन्हां नू कैद विच सुटिया। यदि असां दस्सदा है कि संत जॉन पाला उसी कैद विच कुछ दिन दे बाद उन्हां दा मृत्यु हो गया। संत जॉन पाला पूजावधि विके वक्व टंग नाल कलीसिया नू रूहानी तौर ते नवीकरण लेके आउण विच संत बापा बहुत मेहनत किया सी। उन्होंने प्रार्थना, कुफारा अते तपस्या दा जिंदगी बिताउंदे होए कलीसिया नू एक बहुत बड़ा नमूना दिता गया है। अवसीम खुदा दे इन्हां वचनां नू छेदे करिए। संत लूका दे अंचील उन्हां दे 14:28 तों लेके 31 तक। मन लवो कि तुहाडे विचों कोई जन भवन बनाउणा चाहुंदा है, कि वह पहले बैठ के हिसाब नहीं लेवेगा कि पूरे भवन उते किन्ना खर्चा आवेगा। तांचों इस तरह ना होवे कि शुरू ताम कर लेवे पर उसनू शुरू कर ना सके। इस उते लोग ही उसनू टटे करनगे, अदे कहनगे ये आदमी इन्हें भवन बनाउना शुरू ता कीता पर उसनू पूरा ना कर सकिया। इसी तरह मान लो कि एक राजा है, इसते कोल केवल 10,000 सिपाहीगण, वो एक दूजे राजे नाल लड़ाई ले जा रहा है, जिस कोल 20,000 सिपाहीगण। इसलिए कि ये राजा पहले बैठ के चंगी तरह सोच विचार नहीं करेगा कि मैं अपने
10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਫਾਗੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਫਾਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਿਦਾਮ ਜੋਗਨ ਦੀ ਸ਼ਗਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਆਖ ਸਨੇਹ ਕੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਾਜ ਕਰਤਾ ਗਏ ਸਦਾ ਤੋਮ ਸਤਾਤੀ ਕਰ। ਆਮੇਨ।